इस डील पर मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहें कि नहीं ऐसा डील नहीं है, वैसे उनमें से किसी को बना दीजिए, छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा की बात, इस पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी। जिस डील की चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर कीजिएगा तो पार्टी बर्बाद हो रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा से नफरत हो, उपेंद्र कुशवाहा लायक है ना लायक है, इस बात की चर्चा की क्या जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर पार्टी का रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को आखिर क्या दिक्कत हो रही है, अब ये बात सामने निकल के आई। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने आज साफ साफ कह दिया है कि अगर तेजस्वी यादव को, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इसी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ये घोषणा की थी कि तेजस्वी यादव 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, उसका वो नेतृत्व करेंगे, यानी कि चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, अगर ऐसा होता है तो जेडीयू बर्बाद हो जाएगी, जेडीयू को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है जेडीयू में ही कई सारे चेहरे हैं, उन्हें आगे किया जाए। अगर तेजस्वी यादव को आगे किया गया, तेजस्वी यादव के चेहरे को आगे किया गया 2025 के चुनाव के लिए, तो फिर जेडीयू बर्बाद हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। और इस डील पर मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहें कि नहीं ऐसा डील नहीं है, आगे हम 2025 में तेजस्वी का नाम आगे नहीं करेंगे, अगर नहीं डील हुई है तो यही बात सामने आ जाए। लेकिन संसदीय बोर्ड से आपको हटा दिया है, जिससे सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। हम सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, हम कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बन के रहेगा भैया, उसमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि साधारण मेंबर, प्राथमिक सदस्य जो 5 रुपया वाला होता है, वही बन के हम जेडीयू में रहेंगे। हमको मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ एक ही है कि बिहार की जनता की जो इच्छा है उनकी इच्छा के अनुकूल पार्टी एक्ट करे, सिर्फ हम इतना। पार्टी किसको बनाए, लीडर किसको बनाए? हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी को, कोई लवकुश समाज का, कोई अति पिछड़ा समाज का या किसी दूसरे समाज का भी, जिसको लोग पसंद करते हों, सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग जिनको चाहते हों, वैसे उनमें से किसी को बना दीजिए, छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा की बात, हम कहाँ अपनी बात कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव को बोला गया है कि आगे के वही अब सीएम है, तो उस पर विराम लगे। इस पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी, और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। डूबने से पार्टी बच सकती है, इस डील की बात समाप्त की जाए, और जो हम कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को, अति पिछड़ा समाज से किसी को ले आइए, अब लवकुश में से किसी को ले आइए, या जो भी सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं पार्टी में, एक से एक लोग हैं, उनमें से किसी को ले आइए, लेकिन जो जिस डील की चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर कीजिएगा तो पार्टी बर्बाद हो रही है, हो जाएगी। एक सवाल है, वह यह है, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा किसी को पसंद हो न पसंद हो यह व्यक्तिगत मामला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह के डील की बात हो रही है उस डील के अनुसार पार्टी न बढ़े, बल्कि किसी जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी और व्यक्ति का नाम, कोई अति पिछड़ा समाज का, कोई लवकुश समाज का, या किसी समाज का कोई व्यक्ति हो, उसका नाम 2025 के लिए आगे किया जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल हर तरह से तैयार है, और तभी पार्टी मजबूत होगी, वरना पार्टी नहीं मजबूत होगी, पार्टी बर्बाद हो जाएगी, हम यह बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उनको 2 बार हो गए, हम सम्मान दिए, हमारे उपेंद्र कुशवाहा से नफरत हो, उपेंद्र कुशवाहा लायक है ना लायक है, इस बात की चर्चा की क्या जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर पार्टी का रहेगा। हम तो यह कह रहे हैं कि जो डील हुई है जिसके चलते बिहार की जनता आज परेशानी में, जो लवकुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, और बीच के दिनों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी, और जो सामान्य जात के लोग हैं, इनकी भी बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ रही है, तो वैसे तमाम लोग जो आज परेशानी में हैं उस डील का, डील के बारे में सुन करके, उसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि उस डील को, कथित डील को समाप्त कीजिए, और जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को आगे करिए, 2025 के लिए ही करना हो, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए, हम यह कह रहे कि उपेंद्र कुशवाहा को ले आइए। तो विवाद बढ़ता जा रहा है तेजस्वी यादव को लेकर के, अब बातें सामने निकल के आई है। देखिए, इतने दिनों से उपेंद्र कुशवाहा के नाराज क्यों थे, आपको बता दें इसी बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान जब महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई थी, विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम MLA MLCs मौजूद थे, उस दौरान ये प्रस्ताव
साफ साफ कहें तो पारित हो गया था सभी के सामने कि 2025 का जो चुनाव है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगी महागठबंधन। लेकिन अब नेतृत्व के सवाल पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया है जेडीयू को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है, अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू में ही कई सारे चेहरे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।